वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। मैं मटकी की भाजी बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में, जिसके लिए मैंने ये देखिए मटकी लिया हुआ है। 200 ग्राम मटकी मैंने भिगा दिया था रात में, 8 से 10 घंटे इसको भिगाना है। उसके बाद आपको कॉटन के कपड़े में इसको बांध के रख देना है, फिर ऐसे स्प्राउटिंग आ जाएंगी। और इधर मैंने एक अनियन कट करके लिया है, धनिया की पत्ती, एक टमाटर, कुकिंग ऑयल, लहसुन, मिर्ची, जीरा, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर एंड इधर जीरा पाउडर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने लो फ्लेम पे रखा है, अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अभी इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा हल्का भुन गया है, अभी मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ। इनको हल्का सा भुनेंगे। अभी लहसुन मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप कम ज़्यादा जैसा खाते हैं वैसा आप डालिएगा। इनको हम चला लेंगे, इसको हल्का सा पहले भून लेंगे, फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, ये हल्का भुन गया है। अभी मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, देन जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। अभी इसमें हम टमाटर को भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ मैं हाई कर रही हूँ और इसमें अभी नमक ऐड कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से अभी चला लेंगे एक मिनट तक लगभग, टमाटर भी थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए ये सब मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसमें हम अभी मटकी को ऐड करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर इसको हम 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। टोटल इसको 7 मिनट हो गया है पकते हुए, देख लेते हैं। अभी ये अच्छे से पक गया है। मटकी ची भाजी तैयार करने को सोपे आहे। अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसको थोड़ा गार्निश कर लेते हैं धनिया पत्ती से। देखिए मटकी की भाजी बनानी कितनी आसान है, आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।